दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे ओप्पो F23 5G स्मार्टफोन के बारे में, जो कि दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है आपको दोस्तों 15 मई को अमेजोन के अंडर में देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है आपको बहुत अच्छा लुक और डिज़ाइन के साथ देखने को मिलेगा। हालांकि दोस्तों बात करते हैं इस स्मार्टफोन की डिस्प्ले की, तो आपको दोस्तों 6.72 इंचेस एक फुल एचडी प्लस आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले के साथ देखने को मिलेगा, जो कि दोस्तों कंपनी ने 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ दिया है। मेरे ख्याल से दोस्तों डिस्प्ले का जो क्वालिटी है आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। और दोस्तों इस स्मार्टफोन के प्रोसेसर के बारे में बात करें तो आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 का एक चिपसेट के साथ देखने को मिलेगा, जो कि दोस्तों आपको बहुत अच्छा गेमिंग परफॉर्मेंस के साथ देखने को मिल जाएगा। और बैटरी एमएच के बारे में बात करें तो आपको दोस्तों 5000 एमएच बैटरी के साथ देखने को मिलेगा, और भी दोस्तों 67 वाट फास्ट चार्जर के साथ। और दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको रियर में ट्रिपल रियर कैमरे के साथ देखने को मिलेगा, जो कि कंपनी ने 64 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल और एक 2 मेगापिक्सल का आपको दोस्तों माइक्रो कैमरे के साथ मिलेगा। और सेल्फी कैमरा जो है दोस्तों आपको इस मोबाइल में आपको 32 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा। दोस्तों बात करते हैं स्मार्टफोन की मार्केट प्राइस की, तो दोस्तों यहाँ पर आपको 23 से लेकर दोस्तों 25,000 के अंदर में आपको देखने को मिलेगा। और लुक और डिज़ाइन जो है दोस्तों आपको बैक साइड में बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, जो कि दोस्तों पॉलीकार्बोनेट बैक के साथ आपको मिलेगा ये स्मार्टफोन। दोस्तों आपको क्या लगता है दोस्तों ओप्पो F23 5G स्मार्टफोन के बारे में? तो अगर इस स्मार्टफोन की फीचर्स के बारे में अगर दोस्तों इस वीडियो को अगर आप सभी को अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक से कमेंट जरूर करना। तो मिलते हैं दोस्तों एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही था।